हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी स्टीरियो की सेटिंग के ऊपर। मेनली हमारे टॉपिक्स जो कवर होने वाले हैं, इसमें ग्राफिक इक्वलाइजर कैसे सेट करते हैं एंड हमारे क्रॉसओवर्स कैसे सेट करना है, इसके ऊपर पूरी वीडियो ये रहने वाली है। तो ये चीज़ें सेट करने से पहले सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि आपकी गाड़ी में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स यूज हैं। कॉम्पोनेंट्स से मेरा मतलब है कि क्या आप सुपर हीटर, मिड रेंज चला रहे हो या कॉम्पोनेंट का पेयर चला रहे हो। ऐसे में तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे मिड रेंज चला रहा हूँ तो मैं अपनी सेटिंग आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, इवन ट्विटर्स के बारे में भी बताऊंगा कि ट्विटर पे क्या सेट कर सकते हो आप। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जाना है सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में जाके हमें स्पीकर का ऑप्शन सा दिखेगा पाइनियर के अंदर, या आपके स्टीरियो सेट के अंदर कोई और ऑप्शन हो सकता है इसके लिए, या ऑडियो लिखा हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रॉसओवर्स की। सो क्रॉसओवर अगर हम यहाँ पे अभी फिलहाल तो ऑफ है, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं तो यहाँ पे ये कुछ ग्राफ हमारे पास बना आ जाता है। तो इस ग्राफ का मतलब मेनली क्या है, हमारा जो ये नीचे की तरफ दिया हुआ है, ये हमें फ्रीक्वेंसीज दी हुई है कि इतने फ्रीक्वेंसी रिस्पांस पे ये होगा, एंड हम इसको स्लाइड करके इसको सेट कर सकते हैं। कुछ कुछ स्टीरियोज के अंदर आपको जैसे यहाँ पे 100 के साइड में दो ऑप्शन मिलते हैं जो कि आप स्लाइड कर सकते हो, एंड जो इसका डायरेक्शन है कि आप इसको नीचे भी ला सकते हो और ऊपर भी जा सकते हो। तो ये होता है हमारा स्लोप का ऑप्शन। स्लोप को अगर सिंपल भाषा में आपको बताऊं तो कितना आप फ्रीक्वेंसी को रिस्पॉन्ड करवाना चाहते हो, ये रहने वाला है। तो इसके बारे में भी आपको अभी बहुत अच्छे से बताता हूं मैं। सबसे पहले हम देख लेंगे कि अगर किसी की गाड़ी में सबवूफर भी है तो उसमें सबवूफर हमारा ऑन रहेगा। तो सबसे पहले सबवूफर को भी हम कर देते हैं ऑन, फिर आते हैं क्रॉसओवर के ऊपर। अब सपोज आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शन आ गए, सबवूफर, फ्रंट एंड रेयर का। सो अभी पहले फिलहाल सब कुछ कर देते हैं ऑफ। सब कुछ अगर फ्लैट होगा तो सिंपल, जैसे अब फ्रंट स्टेज की अगर मैं बात करूँ, सो फ्रंट पे मैं यूज़ कर रहा हूँ अपने मिड रेंजेस के साथ सुपर हीटर। तो इनके लिए फ्रीक्वेंसी जो हमारी रहेगी वो हम सेट कर सकते हैं 160 हर्ट्ज़ तक। 160 हर्ट्ज़ तक क्यों? ताकि ये अपना जो बेस है ये ना उठाए। इस चीज़ के लिए अगर ये बेस उठाएंगे मिड रेंज तो वहाँ पे आपकी आवाज़ थोड़ी सी खराब हो सकती है। तो अब अगर बात करें स्लोप के बारे में, तो स्लोप हमारा मेनली ये रहने वाला कि जैसे अभी ये -6 पे है जो इसकी मिनिमम हमें मिल जाती है, एंड मैक्सिमम इसमें -18 है। तो स्लोप का आप ये मान लो कि सपोज हमने यहाँ पे 160 हर्ट्ज़ पे इसको फिक्स कर दिया, तो 160 से 100 हर्ट्ज़ तक की सपोज दैट ये बीच की फ्रीक्वेंसीज पकड़ेगा, एंड जो इसके बीच वाला पार्ट होगा, जो ये वाला पार्ट है, इस पॉइंट पे अगर हमारी सपोज 150 हर्ट्ज़ लगती है अगर इस पॉइंट पे, तो 150 हर्ट्ज़ को थोड़ा सा कम कर देगा, फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सा और कम। इतनी ज़्यादा तेज़ी में ये फ्रीक्वेंसीज को कट करने लग जाएगा 150 तक, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं सेंटर में ही आ रहा है इसके। और अगर हम इसको हम ले जाते हैं अपना 12 dB के ऊपर, तो यहाँ पे 100 हर्ट्ज तक अप्रॉक्स 110 हर्ट्ज तक ये काम करने वाला है, एंड 160 हर्ट्ज से लेके 100 हर्ट्ज तक की स्लोप का मतलब ये है कि इस पॉइंट से वॉल्यूम कम होना शुरू हो जाएगी, एंड ये कम होते 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 फ्रीक्वेंसीज इसकी कम हो जाएंगी। तो स्लोप का मेन मोटो हमारा ये होता है कि फ्रीक्वेंसीज आप किस हिसाब से कम करना चाहते हो। जितनी ये आराम से स्लोप कटेगी, मतलब स्टीप कहते हैं शायद इसको, तो उतनी फ्रीक्वेंसीज ये जल्दी काटना शुरू कर देगा, एंड जितना इसको हम खुला रखेंगे उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज ये कवर अप करेगा, एंड उतनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसीज ये पकड़ेगा। सपोज दैट अभी -6 हो गया, तो यहाँ पे ये 70 तक की फ्रीक्वेंसीज को लेगा, आपके स्पीकर तक लेके जाएगा। तो मेरे मिड रेंज के लिए मेरे हिसाब से -18 dB इनफ है, क्योंकि मैं नहीं चाहता इस पे बिल्कुल भी बेस जाए मिड रेंज पे। तो मैं इसको फ्रंट को ऐसे ही सेट कर दूंगा, एंड रियर के साथ भी जैसे मैं मिड रेंज चला रहा हूँ तो रियर को भी मैं यहाँ पे एज इट इज सेट कर दूंगा, क्योंकि रियर में भी मैं सेम सेटअप ड्राइव कर रहा हूँ अपना सुपर हीटर विद मिड रेंज। अब बारी आई सब वूफर की। जैसे हमारी रेयर में फ्रीक्वेंसीज कट होने का HPF का मतलब होता है कि आपकी कितनी हर्ट्ज के बाद से फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्ड लेना स्टार्ट करेगा, और अगर
HPF को भी हम ऐसे, जैसे मिनिमम HPF इसका 50 हर्ट्ज है एंड मैक्सिमम हमारा 200 जाता है, तो ये आप ऐसे सेट कर सकते हो, या इवन यहाँ पे भी आपको स्क्रोलर मिल सकता है चेंज करने का। सो अब आपने स्पीकर्स तो सेट कर लिया ऐसे कट इसमें क्रॉसओवर्स में, सो अब बारी आई सबवूफर की। तो सबवूफर का जो क्रॉसओवर होता है, सबवूफर और क्रॉसओवर बिल्कुल ही उल्टा हिसाब हो जाता है। अब उल्टा हिसाब कैसे हो जाता है? उल्टा हिसाब इसलिए हो रहा है हमारा सबवूफर्स में, क्योंकि सबवूफर का जो वो है LPF, ये काम करना स्टार्ट करता है बिल्कुल HPF के रिवर्स तरीके से। मतलब जैसे HPF उस पॉइंट से फ्रीक्वेंसीज उठा रहा था, एंड LPF क्या करेगा, LPF इतनी फ्रीक्वेंसीज तक जाएगा एंड इसके बाद फ्रीक्वेंसी को कट डाउन करना शुरू कर देगा। मतलब सपोज LPF में अगर हम 100 रखते हैं तो 100 हर्ट्ज तक ये जाएगा, एंड स्लोप आप जो भी प्रेजेंट करते हो तो उस हिसाब से फ्रीक्वेंसीज काटना शुरू कर देगा LPF। LPF हमारा जाता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम 125 हर्ट्ज पे, जबकि हम सेम स्पीकर्स को अपने 125 हर्ट्ज से चलाना रिकमेंडेड रहता है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी जो बीच की है ये कट ऑफ नहीं होंगी अगर आप स्पीकर्स को 125 से चलाते हो। सब वूफर भी चला सकते हो, बट सब वूफर के लिए बेस्ट जो रहने वाला है वो 100 रहने वाला है मेरे हिसाब से। बाकी वो सब वूफर डिपेंड कर सकता है, अगर आपका SPL सेटअप है तो उसमें आपको 63 के आसपास रखना पड़ेगा इसको, एंड स्लोप को आप अपने हिसाब से स्टीप या जिस हिसाब की आप फ्रीक्वेंसी देना चाहते हो सब वूफर को वो आप दे सकते हो। सो अब बारी आई हमारी LPF, आई होप आपको समझ आ गया हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है फेस का, तो फेस का मतलब होता है कि आपका सबवूफर अप फायरिंग है या रियर फायरिंग है। सो इसके ऊपर भी अभी एक प्रॉपर वीडियो आएगी कि सबवूफर कैसा चलाना चाहिए। तो ये तो बात का टॉपिक है फिलहाल के लिए, तो अभी वापस आते हैं कट ऑफ पे। सो अब जैसे सपोज मैं एक बेसिक सबवूफर यूज कर रहा हूँ 500 वाट RMS का, अभी फिलहाल गाड़ी में कोई सबवूफर इंस्टॉल नहीं है, बट स्टिल 500 वाट के हिसाब से मैं इसको ऐसे ट्यून करूंगा कि इसको मैं ले जाऊंगा अप्रॉक्स इतने पे 80 हर्ट्ज पे, एंड 80 हर्ट्ज के बाद मैं इसको -12 पे ही कटा रहने दूंगा फॉर अ बेसिक सबवूफर, एंड फेज हमारा सीधा ही रहेगा। अब बात करें फ्रंट की, अगर सपोज दैट मैं कंपोनेंट्स यूज कर रहा हूँ जो अपने मार्केट में अवेलेबल है बेसिक कंपोनेंट्स, तो इसको मैं काट दूंगा 160 हर्ट्ज से एंड ये -12 dB पे, जिससे जितनी भी मेरी फ्रीक्वेंसीज है वो मिस आउट ना हो। 160 से भी बेटर है कि इवन अगर मैं 125 पे भी काटता हूँ, अगर मेरे बहुत अच्छे कंपोनेंट्स हैं तो मैं 125 पे भी इनको चला सकता हूँ कुछ इस कॉन्फ़िगरेशन में, जिससे कि अब मेन आप ये देखो कि जैसे यहाँ से सबवूफर प्ले होना स्टार्ट हुआ एंड इस 100 हर्ट्ज पे ये सबवूफर बंद हो जाएगा, सॉरी 80 पे ये सबवूफर बंद हो जाएगा। यहाँ से बंद होते होते स्लोप की वजह से इसकी फ्रीक्वेंसी गेन कम होने लग गई, एंड जैसे ही ये फ्रीक्वेंसी गेन इसकी कुछ अराउंड 100 पे आई, 100 से मेरे ये कंपोनेंट्स या मिड रेंज उठानी शुरू कर देंगी आवाज़ को, एंड यही स्लाइटली इंक्रीज हो के 125 हर्ट्ज के ऊपर की जितनी भी फ्रीक्वेंसीज हैं ये हमारी फ्रंट के स्पीकर्स को जाने लगेगी। सेम रियर के स्पीकर्स के साथ भी सिनेरियो रखा हुआ है हमने। सो ये मेरे हिसाब से बेस्ट सेटिंग है आपके क्रॉसओवर्स के लिए एंड सबवूफर के लिए, जिसमें आपका कोई भी ऑडियो नोट मिस नहीं होगा। अब बारी आई की ग्राफिक इक्वलाइजर आप कैसे सेट करते हो। ग्राफिक इक्वलाइजर के लिए आप ये चीज ध्यान रखना, ये जो जितने नीचे नंबर हैं ये फ्रीक्वेंसीज हैं, किस फ्रीक्वेंसी पे आप ट्यून करना चाहते हो, एंड ये जो है ये इसका लेवल है कि इस फ्रीक्वेंसी को कितने लेवल तक लेके जाना चाहते हो आप। इसमें आपके पास 2-3 ऑप्शन हो सकते हैं, या तो आपको पास एक फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट करके यहाँ पे ऑप्शन आता है कुछ स्टीरियोज में, कुछ में ऐसे आता है कि जो फ्री फ्लो होता है, एंड कुछ में इवन ऐप से भी आप वो चीज़ कर सकते हो। सो अब इसमें बात करते हैं आपको ये सेटअप करना कैसे है अपने ग्राफिक इक्वलाइजर को। सबसे पहले जो आपको ये याद रखना है कि जित 200 तक की जो फ्रीक्वेंसीज होती है ये आती है हमारी बेस फ्रीक्वेंसीज के अंदर। 200 से ऊपर जो 315 से 3.15K तक की फ्रीक्वेंसीज है ये होती है हमारी मिड फ्रीक्वेंसीज। मिड फ्रीक्वेंसी से मेरा मतलब है मिड बेस वोकल्स सारी इसमें आती है, एंड ये 5K 8K एंड 12.5K जो फ्रीक्वेंसीज है ये रहने वाली है हमारी हाईस की फ्रीक्वेंसीज। हाईस की फ्रीक्वेंसीज मतलब जितने भी हाई नोट्स होते हैं गानों के अंदर। इसका भी मैं आपको लाइव डेमो भी दिखाता हूँ कि कैसे आप इसको सेट कर सकते हो। सो फाइनली यहाँ पे मैंने कर दिया है एक ट्रैक को प्ले,
एंड अनम्यूट करता हूँ मैं, और आपको बहुत ध्यान से सुनना होगा कि कैसे कैसे फ्रीक्वेंसीज बढ़ रही है। जैसा मैंने आपको बताया था, स्टार्टिंग की फ्रीक्वेंसीज 200 तक की बेस की है, तो मैं एक बार ये आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको बढ़ाऊँगा तो ये आप बेस फील कर सकते हो कि बढ़ जाएगा। मैं या तो हेडफोन्स लगा लो एक बार, ये आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। तो अब अगर 20 की फ्रीक्वेंसी 200 के बाद की उठाते हैं तो यहाँ पे वोकल्स हमारे बढ़ जाएंगे। आप देख रहे हैं आवाज बहुत अच्छी आ रही है, आवाज बढ़ चुकी है इसकी। तो हम जिसको कहते हैं वोकल्स मिड, वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो अब एक बार मैं आपको हाइस का भी एग्जांपल दे देता हूँ। अब आप जो आवाज सुन रहे हो, जैसे कि बहुत हाई नोट्स बहुत ज्यादा शार्प हो चुके हैं। तो ये वापस से फ्लैट हो गया। सो आपको यही चीजें थी जो आपको ध्यान रखनी है सेट करते हुए एंड सब कुछ करते हुए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई हो। अगर फिर भी ना समझ में आया हो कुछ भी, तो आपके लिए कमेंट सेक्शन हमेशा खुला हुआ है। आप वहाँ पे कोई भी क्वेरी, किसी भी टाइप की चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। सो अब वापस आ जाते हैं एक बारी इक्वलाइजर पर। तो इक्वलाइजर मेनली आपको सेट कैसे करना है, मेनली आपको अपना टेस्ट देखना है कि आपको किस तरीके की आवाज़ पसंद है। अगर आपको क्लैरिटी पसंद है तो आप क्या कर सकते हो कि अपनी मिड हल्की हल्की खोल सकते हो एंड हल्की हल्की हाइस खोल सकते हो। सपोज दैट वोकल के लिए मैं इसको ऐसे कुछ पैटर्न में बनाता हूँ एंड थोड़ी सी हाइस खोल देता हूँ, जिससे मेरी क्लैरिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर मैं बेस का शौकीन हूँ ज़्यादा, तो मैं यहाँ से हल्का फुल्का बेस भी अप कर सकता हूँ। बेस को आपको ये भी याद रखना है कि इससे ज़्यादा अप नहीं करना है, +6 वाली लाइन के बिल्कुल नीचे ही रखना है आपको, क्योंकि इससे ऊपर अगर आप लेके जाते हो तो वो एक बारी को डिस्टॉर्शन दे सकते हैं ग्राफिक इक्वलाइजर की वजह से। बल्कि मैं रिकमेंड करता हूँ आप इस चीज़ को फ्लैट जितना रखोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। जितनी सारी सेटिंग्स है वो सारी की सारी सेटिंग्स आप अपना स्टीरियो से एम्पलीफायर से ही रखो। एम्पलीफायर में HPF LPF बहुत अच्छे से आप ट्यून कर सकते हो। इसके बाद भी एक तरीके से सेकंड गेट की तरह अप्लाई होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।